हेलो साथियों, मेरा नाम है दीपांशु शर्मा और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्टकट कीज के बारे में। शॉर्टकट कीज जो हमारे कंप्यूटर में हम यूज करते हैं, कीबोर्ड का यूज करते हैं और बहुत सारा टाइम हम अपना बचा सकते हैं। ए से लेकर के जेड तक जो भी आपकी शॉर्टकट कीज बनेगी कंट्रोल के साथ, और उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाता है, उनके फंक्शंस के बारे में टोटली डिस्कस करने वाला हूं। जैसे अगर हम कंट्रोल की के साथ, जो कि हमारे कीबोर्ड में दोनों साइड पे होती है, उसके साथ कंट्रोल के साथ ए दबाएं या कंट्रोल के साथ अगर हम बी दबाएं, कंट्रोल आप प्रेस करके रखिए, सी दबाइए, तो उन सबसे क्या होता है? तो ए बी सी डी, यहां पे ए से एम तक के फंक्शन लिखे हुए हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी। बहुत सारी शॉर्टकट कीज के बारे में आप जानते भी होंगे कि अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस सी से होता है, और डिलीट करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली डिलीट बटन से भी हो जाता है, और भी किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। और यहां पे कंट्रोल प्लस एन से लेकर के कंट्रोल प्लस जेड तक, तो ए से लेकर के जेड तक की ये सारी जो फंक्शंस है मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, और इन्हें हम प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। आप इस सेशन में देखने वाले हैं कि किस की का क्या फंक्शन होता है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा साथियों। जितने भी हमारे की फंक्शन है उनको हम प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या है, आप सबसे पहले देख रहे हैं कि आपके पास है यहाँ पे कंट्रोल ए। जी हाँ, मैं पहले सबसे पहले इसकी बात कर रहा हूँ, कंट्रोल ए, ठीक है ना। हम इसकी बात करते हैं तो लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ पेजेस, सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स। ये किस लिए है? मान लीजिए आप किसी फोल्डर में हैं, फोल्डर के अंदर सारा आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए 3-4 वहाँ पे फाइलें हैं, सभी को हमें सेलेक्ट करना है एक साथ, ठीक है ना। एक तो हमारे पास तरीका होता है कि कंट्रोल हम दबा के रखें, एक एक को चूज़ करें, और वहीं पे साथियों हमारे पास तरीका होता है, जैसे अभी मैं कंट्रोल प्लस ए दबा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे अगर मैंने कंट्रोल प्लस ए दबाया तो सारा का सारा जो ऑब्जेक्ट है इस तरीके से सेलेक्ट हो जाता है। तो कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, सारा कंटेंट, सारे पेजेस का सारा कंटेंट। अगर मान लीजिए आप स्लाइड्स में हैं, पीपीटी में हैं, तो वहाँ पे एक ही स्लाइड का जो कंटेंट है वो क्या होगा, आपका सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम किस पर, जो ये कंट्रोल बी सेकंड हमारे पास है, तो हम कंट्रोल ए से लेकर के कंट्रोल जेड सारा प्रैक्टिकल करने वाले। कंट्रोल बी में क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने इस पार्ट को सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने सेलेक्ट कैसे किया है, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे भी चले जाते हो, ये देख रहे हो ना कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है, ये जो आपका कर्सर है मूव कर रहा है, अभी कंट्रोल ए पे है फिर कंट्रोल बी पे आ गया, तो मैं ये एरो की से लेकर के जा रहा हूँ, मैंने शिफ्ट दबा रखा है और मैं आगे जाता हूँ, या मैं शिफ्ट से एरो की हेल्प से, शिफ्ट दबा रहना चाहिए, इस तरीके से मैंने इस सेक्शन को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने जब कंट्रोल प्लस बी अब दबाया तो देखिए बोल्ड हो जाता है। दोबारा कंट्रोल प्लस बी दबाने से बोल्ड हट भी जाता है, ठीक है ना। तो कंट्रोल प्लस बी के दोनों काम है, बोल्ड करना और अनबोल्ड करना। अगला क्या है, कंट्रोल प्लस सी, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने ये सेलेक्टेड टेक्स्ट है, ये सेलेक्टेड फाइल है, सेलेक्टेड अनदर ऑब्जेक्ट का मतलब सेलेक्टेड फोल्डर और फाइल, जब किसी फोल्डर में आप होंगे वहाँ पे किसी आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जैसे ही अभी मैंने कंट्रोल सी दबाया, देखो कंट्रोल सी दबाने पर आपके सामने कोई रिएक्शन नहीं आने वाला है। अब कंट्रोल सी दबाने के बाद आपको कंट्रोल वी दबाना पड़ेगा, जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैंने कंट्रोल वी दबाया तो आपने देखा जितना मैंने सेलेक्ट किया हुआ था और जिसके ऊपर मैंने कंट्रोल सी दबाया वो कॉपी हो चुका है, और कॉपी करने के बाद आपको उस फंक्शन का तभी समझ में आएगा जब आप कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे। जी हाँ, मैं कंट्रोल प्लस वी दबा रहा हूँ साथियों, कंट्रोल प्लस वी दबा रहा हूँ, क्योंकि कंट्रोल प्लस वी का काम क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी का काम क्या होता है, जरा देखिए कंट्रोल प्लस वी का काम क्या होता है, लिखा हुआ है पेस्ट एनी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बीन कॉपीड। जैसे मैंने इसको कंट्रोल प्लस सी दबा के कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी दबा करके मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, कॉपी हमें एक बार करना होता है, कंट्रोल वी दबाते रहो, ये बार 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 आपका क्या होता रहेगा, पेस्ट होता रहेगा। आई थिंक सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कंट्रोल प्लस सी का काम क्या होता है, जो कि हेल्प आपका, जो कि फंक्शन पूरा काम करेगा, कब काम करेगा, जब आप कंट्रोल प्लस वी दबाओगे। तो ऐसे ही आप एक फाइल की मल्टीपल फाइल, मल्टीपल कॉपी बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मतलब एक जगह से, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में अपना डाटा कॉपी करना चाहते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप उसको एक जगह से कंट्रोल प्लस सी की हेल्प से कॉपी करके दूसरी जगह जाकर कंट्रोल प्लस वी दबा सकते हो, ठीक है ना। वैसे ये काम माउस से भी हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन अगर हम कीबोर्ड के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो हमारी स्पीड फास्ट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस डी क्या होता है, अगर आप ब्राउजर में हैं तो ब्राउजर में इसका काम होगा बुकमार्क करना, ठीक है ना, अभी मैं करके भी दिखा दूंगा वो चीज़ें भी। बुकमार्क करना, बुकमार्क क्या होता है,
ठीक है ना, किसी को हम अपने मतलब हिस्ट्री में रख लेते हैं। वैसे ही कंट्रोल प्लस डी हमारा यहाँ पे क्या काम करेगा, डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। अभी मैं कंट्रोल प्लस डी दबा रहा हूँ तो देखिए फॉन्ट ऑप्शन ओपन हो गए हैं, और मैं एरो की हेल्प से और टैब की हेल्प से चलूँगा। टैब टैब एक बटन होता है आपके कीबोर्ड में, तो टैब और एरो की हेल्प से जब आप चलेंगे तो जैसे ही मैं टैब और एरो की हेल्प से चला, देखिए नीचे आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप जरा इस पर भी ध्यान दीजिएगा साथियों, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका जो आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है ना, जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है उसके ऊपर ये काम कर रहा होगा, और वो रिएक्शन आपको यहाँ पे प्रीव्यू आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है जो डाटा, तो देखिए उसके अंदर क्या हो रहा है, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो रहा है। अब अगर मैं फॉन्ट स्टाइल की बात करूँ तो अभी बोल्ड, इटैलिक, ठीक है ना, रेगुलर, सिंपल रखना है, तो वो सारी चीज़ें, और फिर यहाँ पे बात करें तो उसका साइज, ये सब मैटर आप करने के बाद जब एंटर प्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है ना आपका, इस तरीके से। तो ये हम फॉन्ट के ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस ई में अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन, या तो हमने कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है और या हमने वो पूरी लाइन जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है इसको सेलेक्ट कर लिया, और इसके ऊपर जब मैंने कंट्रोल ई दबाया तो देखिए क्या होगा, ये बीच में आ जाएगा, ये पूरे पेज के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका फंक्शन यही होता है कंट्रोल प्लस ई का, कि उसको सेंटर में ले आना। कंट्रोल प्लस एफ का मतलब होता है फाइंड बॉक्स, ठीक है ना, फाइंड विंडो होती है एक। मान लीजिए मेरा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, आप जैसे अपना लिस्ट में अपना रोल नंबर ढूंढना चाहते हैं कि मेरा रोल नंबर आ पाया नहीं आ पाया, तो वहां पे आप कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे। कंट्रोल प्लस एफ दबाने पर क्या होगा, आपके सामने एक ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, और इस पॉपअप विंडो के अंदर आप जो भी वर्ड लिखेंगे, जैसे कोई वर्ड लिख सकते हो आप, कोई डिजिट लिख सकते हो, ठीक है ना, तो वो आप ढूंढ लोगे एकदम से। जैसे मान लीजिए मैं ढूंढना चाहता हूं दीपांशु कहां लिखा है, दीपांशु कहां लिखा है, मैंने जैसे लिखा तो ऊपर देखिए सबसे ऊपर देखिए वो येलो में हो गया, और जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो दीपांशु का वो एरिया भी हाईलाइट हो जाएगा। दोबारा से मैंने जब एंटर प्रेस किया, अगर वो कहीं दूसरी जगह लिखा होता तो वो मुझे मिल जाता। चलिए मैं और करके दिखाता हूँ आपको, ताकि और जो हैं आपके बहुत सारे आपके वर्ड जो आपको मिल जाएं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मुझे ढूंढना है इसके अंदर ऑप्शन कहीं जगह लिखा हुआ है ना, तो ऑप्शन को देखो आपने ढूंढा तो कहीं जगह मिल गया, ऑप्शंस का भी ऑप्शन उसने पकड़ लिया, तो आपका ये कितनी जगह मिला है, आपको ये चार जगह मिला है, ठीक है ना, ये चार उसने एरिया दिखाए हैं। तो फाइंड हम इस तरीके से कोई वर्ड फाइंड करते हैं, कोई रोल नंबर पूरे डॉक्यूमेंट में वो फाइंड कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस जी का मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस जी का मतलब होता है ओपन गो टू ऑप्शन, ठीक है ना। गो टू ऑप्शन क्या करता है, और ब्राउजर के अंदर ये फाइंड करने का, ब्राउजर में अगर फाइंड करना है तो हमें कंट्रोल प्लस जी करना पड़ेगा, ब्राउजर में कुछ फाइंड करना है तो कंट्रोल प्लस जी करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एफ से। तो यहाँ पे गो टू ऑप्शन को क्या काम होता है, गो टू ऑप्शन क्या करता है, देखो मैं कंट्रोल प्लस जी दबा रहा हूँ और गो टू ऑप्शन के लिए आ जाता है। किसी मुझे पेज पे जाना है, किसी मुझे सेक्शन पे जाना है, किसी मुझे लाइन पे जाना है, देखो यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है ना, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखो सब अलग अलग है, ये नीचे जा रहा है, देखो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे कह रहा है गो टू व्हाट, किस पे जाना है आपको। मान लीजिए मैंने कहा गो टू पेज, मुझे सेकंड पेज पे जाना है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं टैब से चला जाता हूँ और अल्ट टैब से वापस आ जाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे हूँ, देखो सेक्शन लाइन पेज, और जैसे मैंने टैब दबाया तो मैं उस एरिया में आ गया, और मैंने यहाँ पे लिखा टू। अभी मैं पेज वन पे हूँ, वो कहाँ पे पता चल रहा है कि मैं पेज वन पे हूँ या मैं पेज टू पे हूँ। सो साथियों जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए जरा, ये देखिए, ये नीचे आकर के आपको यहाँ पे नजर आ रहा है पेज वन ऑफ टू, ठीक है ना, तो आप पेज वन पे हैं, दो पेजेस की फाइल है तो उसके पेज वन पे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से पता चल जाता है कि आप कौन से पेज पे हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें एकदम से आपको बिल्कुल तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी, और आप इसका यूज़ भी करेंगे, बेनिफिट उठाएंगे। तो गो टू का ऑप्शन का यूज क्या है, कि किसी पेज पे जाना है, सेक्शन पे जाना है, पैराग्राफ पे जाना है, लाइन पे जाना है, फुटनोट में जाना है, हेडर नोट में जाना है, तो मैंने जैसे किया गो टू पेज टू, तो मैं सेकंड पेज पे हूँ साथियों, अब मैं पेज वन पे नहीं हूँ, ठीक है ना, अब मैंने वहीं पे वन कर दिया तो मैं वापस पेज वन पे आ जाऊंगा। इस तरीके से मान लीजिए आपके 200-300 पेज हैं, मान लो आपकी कई हजार लाइनें हैं, आपको पता है उस लाइन में मेरा काम पड़ा है, तो आप सीधा गो टू करके उसको, बजाय कि आप स्क्रॉल करके भी जा सकते हैं, है ना। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा।
कि आपका ये जो गो टू ऑप्शन है वो क्या करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो कंट्रोल प्लस एच क्या करता है, अभी देखिए कंट्रोल प्लस एफ से हमने किसी को फाइंड किया था, किसी वर्ड को हमने फाइंड किया था, तो कंट्रोल प्लस एच फाइंड करने के साथ साथ रिप्लेस करने का भी काम करता है। जो लास्ट आपने सर्च किया हुआ है, जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस एच दबाया, पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है, ऑप्शन जो ये है अगर इस वर्ड को हम फाइंड करते रहें, देखिए ये मैंने दबाया, पहला जहां ऑप्शन लिखा हुआ उस पे चला गया, फाइंड नेक्स्ट, मैं एंटर एंटर दबा रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से काम करता है साथियों, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया, मैं आ गया हूँ रिप्लेस विद, ठीक है ना, आप देख रहे होंगे कि मेरा कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, फाइंड वर्ड के नीचे है रिप्लेस विद, इस पॉपअप विंडो के अंदर देखिए, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन की जगह लिखना चाहा, मान लीजिए मैं ऑप्शन की जगह कुछ भी इस वाले ऑप्शन की जगह मान लीजिए मैं लिखना चाहता था लिस्ट, ठीक है ना, मेरे को ऑप्शन को लिस्ट से चेंज करना था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसे टैब दबा दबा करके रिप्लेस बटन पे आकर के एंटर प्रेस कर दूंगा, तो देखिए साथियों वो ऑप्शन लिस्ट बन गया है। दोबारा से अगर मैंने उसको रिप्लेस किया तो अभी सेकंड वाले ऑप्शन पे वो चला गया है, ये ऑटोमेटिकली मूव करेगा, जितने भी ऑप्शन हो उन पे जाता रहेगा, मैंने रिप्लेस दबाया तो उस पे चला जाएगा। तो ये रिप्लेस का काम होता है, आप रिप्लेस ऑल अगर कर देंगे, रिप्लेस ऑल ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, जितने भी ऑप्शन होंगे, ठीक है ना, तो वो सब लिस्ट में चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज का। उसके बाद आता है इटैलिसाइज हाइलाइटेड सेक्शन, अगर हम किसी भी सेक्शन को इटैलिक मतलब वो तिरछे करने हैं तो कंट्रोल प्लस आई दबाएंगे तो वो इटैलिसाइज ऐसा हो जाएगा। जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या होता है साथियों, अगर पूरी पैराग्राफ की आप देख रहे हैं ना, वो जो लाइन कंप्लीट होती है, जैसे अभी मैं एक मिनट के लिए आपको एक पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, मान लीजिए मैंने कुछ भी लिखा इस तरीके से मैंने लिखा, ठीक है ना, ये जो वर्ड्स हैं, कई बार क्या होता है ना, एक पैराग्राफ में वर्ड कम होते हैं, एक लाइन में एक वर्ड में कम होते हैं, और दूसरे में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो इस तरीके से वो बड़ा अजीब दिख रहा होता है, जब ख़त्म हो रहा होता है तो वो बड़ा अजीब दिख रहा होता है कि एक में आगे है वो लाइन, एक में पीछे है वो लाइन, इस तरीके से, ठीक है ना, एक में कहीं ख़त्म हो गई वो लाइन, दूसरे में कहीं ख़त्म हो गई लाइन, तो जस्टिफाई क्या करेगा, जैसे मान लीजिए मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया साथियों, और उसके बाद मैंने जब कंट्रोल जे दबाया तो आपने क्या देखा, पूरा मतलब एकदम वो पैराग्राफ का वो एकदम ना वो स्क्वायर के अंदर वो जो है इस तरीके से वो चला गया, तो आई थिंक सो जस्टिफाई का मतलब समझ में आ गया होगा। कंट्रोल प्लस के का मतलब क्या होता है, क्रिएट अ हाइपरलिंक फॉर द हाइलाइटेड टेक्स्ट, अगर मैं इस टेक्स्ट को, इस लाइन को, एक वर्ड को हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, हाइपरलिंक मतलब क्या होता है, एक लिंक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, और उस लिंक के पीछे मुझे कोई पाथ छोड़ना पड़ेगा, जैसे मैंने के दबाया और उसके पीछे मैंने पाथ छोड़ दिया कि मान लीजिए इसके दबाने पर, ठीक है ना, टेलीग्राम ओपन हो जाए या कोई एड्रेस मान लीजिए www.unacademy.com, ठीक है ना, ठीक है ना, ये ओपन हो जाए प्लस मेरा प्रोफाइल ओपन और हो जाए डायरेक्टली, ऐसा मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस छोड़ दिया और ओके कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा अंडरलाइन करके ब्लू में आ जाएगा, पर इसको चलाया कैसे जाएगा ये भी एक यहाँ पे देखिए, जब इसके ऊपर मैं माउस लेकर के जाता हूँ तो लिखा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो दिस लिंक, तो मुझे कंट्रोल करके इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा इस तरीके से, एंड मतलब कंट्रोल करके उसके ऊपर आप जाकर के माउस से क्लिक कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, वो जो आपका एड्रेस होगा वो आपका ओपन हो जाएगा। देखिए साथियों आप सीधा उस लिंक पे चले गए जो लिंक आपने डाला हुआ था, ये आपका इस तरीके से दो बार मैंने दबाया था तो दो बार ये ओपन हो गया यहाँ पे, ठीक है साथियों, तो ये मेरा प्रोफाइल है, आप इसको अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं दीपांशु शर्मा के नाम से सर्च करके। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो है कंट्रोल एल, कंट्रोल एल का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट द एड्रेस बार इन ब्राउजर, ब्राउजर के अंदर अगर हमें एड्रेस बार को सेलेक्ट करना है, एड्रेस बार में हम एड्रेस डालते हैं ना, ब्राउजर में ये काम करेगा, और यहाँ पे क्या काम करेगा, अलाइड सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द लेफ्ट, ठीक है ना। देखिए कंट्रोल प्लस ई अगर हम दबाते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस ई दबाते हैं, ये देखिए आपने क्या किया था, ये उसको सेंटर में लाने के लिए आपको याद होगा, और कंट्रोल प्लस एल दबाते हैं तो वो लेफ्ट में आ जाता है। देखिए मैंने इसको कंट्रोल प्लस ई दबाया तो ये कहाँ चला गया, ये सेंटर में आ गया, और अब मैंने क्या किया, कंट्रोल प्लस एल दबाया तो ये लेफ्ट में आ गया, वैसे तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट में रहता है, बाकी आप कर सकते हैं उसको राइट में भी कर सकते हैं, राइट का भी है हमारे पास, अभी बताते हैं। कंट्रोल प्लस एम से क्या होगा, इंडेंट द पैराग्राफ,
डेंट क्या होता है, इसको अगर हमें टैब देना है या तो हम टैब दे देंगे या कंट्रोल एम दे देंगे। देखिए कंट्रोल एम से क्या होगा, ये होगा कंट्रोल एम से। अच्छा यही काम हम जो है ना टैब से भी कर सकते हैं, खाली टैब अगर हम दबाते रहें। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आके टैब दबाया, लेकिन कंट्रोल एम से क्या होगा, पूरा पैराग्राफ जाएगा। और खाली टैब से क्या होगा, अगर मैं टैब दबाता हूँ तो ये जितना इसके आगे लिखा होगा वही जाएगा। तो दोनों में ये फर्क होता है, फर्क समझ में आया दोनों में क्या होता है, कंट्रोल एम और टैब में। चलिए कंट्रोल एन क्या होता है, ओपन न्यू, ये तो सभी को पता होगा, नया पैराग्राफ, नया वो ओपन करने के लिए, डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस क्या किया मैंने, एन दबाया। और कंट्रोल प्लस ओ करने से क्या होगा कि मुझे कोई फाइल मेरी जो पड़ी है, देखो बहुत सारी फाइल मेरे पास पड़ी हैं, उनको मैं ओपन कर सकता हूँ कंट्रोल प्लस ओ से। फिर कंट्रोल प्लस पी से क्या होगा, प्रिंट होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस पी दबाया तो मुझे ये सारी सेटिंग करने के बाद, ये पूरा डॉक्यूमेंट अगर ये सारी सेटिंग ओके है तो जस्ट मुझे मेरा प्रिंटर अटैच होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, प्रिंट पे क्लिक किया तो वो प्रिंटर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस पी प्रिंट की शॉर्टकट की होगी। कंट्रोल प्लस क्यू क्या हो गया, अलाइन सिलेक्टेड पैराग्राफ टू द लेफ्ट हो गया। यहाँ पे देखिए जरा एक बात पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द लेफ्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा पैराग्राफ। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कंट्रोल प्लस ई दबाने पर ये सेंटर में आ जाता है और कंट्रोल प्लस क्यू दबाने पर ये लेफ्ट में आ जाता है, ठीक है ना। तो कंट्रोल प्लस क्यू और कंट्रोल प्लस, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस आर जो कि हमारा टेक्स्ट को कहाँ पे कर देगा, राइट में। अब मैं कंट्रोल प्लस आर दबा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो उस लाइन को, जिस लाइन में आप होते हैं उस लाइन को राइट में कर देता है। इस डॉक्यूमेंट को अगर मुझे सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस दबाना पड़ेगा। अभी देखिए जब मैंने कंट्रोल प्लस एस दबाया नीचे एक कुछ हुआ, ठीक है ना, तो वो प्रोसेस हुआ। जैसे मान लीजिए मैं किसी नए डॉक्यूमेंट में हूँ, ये डाटा मैंने सेव करना है, अभी मैं इसमें लिखे जा रहा हूँ। आप जब तक लिखते जा रहे हो और ये बंद हो गया तो फिर आपका डाटा सेव नहीं होगा, चला जाएगा। बीच बीच में कंट्रोल एस दबाना पड़ता है। जब पहली बार आप कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो वो पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना है, किस नाम से सेव करना है। मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप ही चूज कर लिया और फिर वो मुझसे नाम पूछ रहा है, तो मान लीजिए मैंने कहा सैम्पल टेस्ट, ठीक है ना, तो और उसके बाद इसको क्लिक कर दिया तो ये सेव हो गया। ऊपर देखिए नाम भी नजर आ रहा है, सैम्पल टेस्ट, ठीक है ना। और अब मैं जब भी इसमें लिखता रहूँगा, एंटर करता रहूँगा, कुछ भी मैं इसके अंदर अपना अपडेट करता रहूँगा, काट दिया, डिलीट कर दिया और अपडेट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, उसके बाद जब मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा तो ये मुझसे दोबारा नाम नहीं पूछेगा। तो बस कंट्रोल एस, अब मैं कितनी बार कंट्रोल एस दबा चुका हूँ आपको अभी वो समझ ही नहीं आएगा, वो दिखेगा भी नहीं उसका, थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ नीचे दिखता है जब हम कंट्रोल एस दबाते हैं, और वो भी तब दिखता है जब डॉक्यूमेंट हमारा बड़ा होता है। तो कंट्रोल प्लस एस सेव द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस टी क्या होता है, जब ये आप कंट्रोल प्लस टी दबाएंगे ना तो ऊपर जो टैब है, देखिए टैब कहाँ होता है, ये रूलर बार होती है, ये जो रूलर बार होती है इसके अंदर ये टैब होता है। जब मैं कंट्रोल प्लस टी दबा रहा हूँ तो देखिए टैब कहाँ चला गया, अभी यहाँ पे चला गया टैब, ठीक है ना। आप देख रहे हो, मैं माउस की हेल्प से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोबारा देखिए मैंने कंट्रोल प्लस, इससे क्या होता है साथियों, जो एरिया होता है उसको टैब किया जाता है, वो डायरेक्टली अभी मैं आपको बता चुका हूँ, खाली टैब बटन से भी हो जाता है और इससे भी, ठीक है। अंडरलाइन, जिस सेक्शन को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल यू दबाया तो वो एरिया अंडरलाइन हो जाता है। फिर वी से, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है, उसके लिए कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स क्या करता है, पहले ये देख लीजिए, ये कट करने का काम करता है। देखिए ये मैंने कंट्रोल प्लस सेलेक्ट किया, कट कर लिया, और इसको मैं इसमें पेस्ट करना चाहता हूँ। तो कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस सी का काम कंट्रोल प्लस वी के बगैर अधूरा है। तो कंट्रोल प्लस वी दबाने पर आपको क्या होता है, वो जो आपने कट किया है या कॉपी किया है वो आप उसको पेस्ट कर लेते हो। मान लीजिए फोल्डर का डाटा दूसरे फोल्डर में आप क्या करना चाहते हो, डालना चाहते हो, लेकिन एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में डालना है, मतलब कॉपी नहीं करना है, ठीक है ना। तो तब आप कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करते हो, वहां से निकाल के दूसरे में डालने पर। उसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस एक्स दबाया और दूसरे में जाकर के कंट्रोल प्लस वी दबा दिया। क्लोज द डॉक्यूमेंट, मान लीजिए मेरा ये डॉक्यूमेंट है, मैंने इसको सेव कर लिया, अब मैं इसको डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहता हूं, तो मैंने कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाया, तो मेरे कई डॉक्यूमेंट, वर्ड देखिए एक वर्ड एप्लीकेशन है, मैंने कई डॉक्यूमेंट ओपन किए थे, ठीक है ना। अभी वो सैंपल टेस्ट ओपन था, ये एक और फाइल थी, ठीक है ना, तो उसमें जिस फाइल पे मैं था वो वाला डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। जैसे मान लीजिए अभी मैं इसको भी बंद कर दूंगा ना, तो अगर ये सेव्ड होगा तो वो कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन अगर ये सेव नहीं होगा, मान लीजिए मैंने ये किया और मैंने कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाया, तो पहले ही पूछेगा कि इसको सेव करना या बिना सेव किए ही,
ठीक है ना, जो लास्ट टाइम मैंने सेव दबाया होगा वहीं पे वो, और मैं कहीं गलती से तो नहीं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबा गया, तो मैं कैंसिल कर देता हूं। कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड अंडू और रीडू, समझ लीजिए। पहले कंट्रोल प्लस जेड बताता हूं, मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको मैंने डिलीट करना था, ठीक है ना, डिलीट कर दिया। फिर मुझे याद आया, अरे डिलीट नहीं करना था, दोबारा एक बार देख लूँ, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, तो मैंने मैंने कंट्रोल जेड दबाया। कंट्रोल जेड क्या करता है, अंडू द लास्ट एक्शन, मैंने वो डिलीट किया था ना, वो डिलीट किया हुआ मेरा वापस आ गया, ठीक है ना, और मैं अपने लास्ट कई एक्शन रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं अंडू किए जा रहा हूँ, मतलब कंट्रोल जेड दबाए जा रहा हूँ, देखिए ये मैंने कट किया था, याद आया ना आपको, और वहाँ जाके पेस्ट किया था। अब मैं जब कंट्रोल वाई दबाऊंगा तो क्या होगा, ये अंडू को अंडू कर देगा, मतलब ये कंट्रोल जेड को, जैसे मैंने कंट्रोल वाई दबाना शुरू किया तो उससे क्या होगा, अंडू किया हुआ जितना भी था, कंट्रोल जेड किया हुआ जितना भी था वो सारा का सारा अंडू हो जाता है, तो ये कंट्रोल जेड की वर्किंग को फेल करने का काम करता है। तो साथियों, कंट्रोल ए से लेकर के कंट्रोल जेड तक की सारी की आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके ऐसे एक बार चेक कर लेनी है और इसको लगातार इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, शानदार तरीके से आप लोग इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। ये कीज के बारे में मैंने टोटली आपसे डिस्कस कर लिया है, सारे फंक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।